स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक व्लॉग देखने जा रहे हैं और जो साइबर सिटी है दिल्ली एनसीआर का, उसी का वीडियो व्लॉग देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज हम हैं रैपिड मेट्रो के ट्रैक पर सिकंदरपुर गुड़गांव में, और सामने है रैपिड मेट्रो का मैप जो कि जाती है सेक्टर 56 तक साइबर सिटी से। एंड सामने जो आपको दिख रही है ये है रैपिड मेट्रो। आज हम इससे जाएंगे दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े आईटी हब में, जो कि है साइबर सिटी गुड़गांव। रास्ते में ये आपको जो यूरोपियन डिजाइन में ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग दिख रही है, ये है डीएलएफ सिटी कोर्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है ये, मेट्रो से साफ नजर आती है। ये भी ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 24 में गुड़गांव के। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे साइबर सिटी की तरफ। सामने जो आपको राउंड कलर में बिल्डिंग नजर आने लगी होगी ब्लू कलर की, वो है ईपीटॉम। ये बिल्डिंग नंबर 5 है साइबर सिटी में। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, मेक माई ट्रिप का भी ऑफिस है, और लिंक्डइन का भी इसी में ऑफिस है। लिंक्डइन का भी बिल्डिंग। जितना भी एरिया आप सामने देख रहे हैं ये सारा साइबर सिटी का एरिया है, और आप इससे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लिए डेडिकेटेड अभी जो ये मेट्रो जिसमें हम जा रहे हैं इसको बनाया गया था 2013 में। ये जो जगह है इसको डेवलप किया गया था 2003 में। मेट्रो को यहाँ पे लाया गया 2013 में। पीछे जितनी भी आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सारी की सारी साइबर सिटी में सारे ऑफिसेज हैं। हम अभी अपने इस मेट्रो के सफ़र के बाद इनको पास से भी जाके नीचे से भी देखेंगे। अधिकांश टॉप आईटी फर्म्स और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज आपको इस जगह पर जरूर मिल जाएंगे। सामने आपको दिख भी रहा होगा ऊपर डेलोइट का भी ऑफिस है, साथ में केपीएमजी भी यहीं पर है, और यहाँ बोर्ड्स आपको दिखते रहेंगे अलग अलग कंपनीज के। डीएलएफ जो आपको दिख रहा है, डीएलएफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिन्होंने गुड़गांव को एक तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डीएलएफ की ही मिलेंगी। ये एरिया NH 48 से भी कनेक्टेड है। सामने जो आपको ये रोड दिख रही है NH 48 है। अगर आप इसके दूसरी तरफ भी देखेंगे तो आपको उद्योग विहार नज़र आएगा। ये सारा जो व्यू है ये साइबर सिटी का, और यहाँ पे जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं इनके नंबर होते हैं, इनके नाम भी होते हैं। इन्फिनिटी टावर, साइबर ग्रीन टावर, ईपीटॉम, जैसे मैंने आप देखा कुछ पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं। और इसके अपोजिट में है उद्योग विहार, मेट्रो से आपको नजर आ जाएगा दूसरी तरफ है। ये जो रोड दिख रही है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, NH 48 है, हाईवे है जो दिल्ली को जोड़ता है जयपुर से। जो दूसरी तरफ दिख रहा है रोड के वो उद्योग विहार है। ये जगह भी बहुत पॉपुलर है। जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में आते हैं जॉब्स के लिए तो ज़्यादातर गुड़गांव में जॉब करते हैं या नोएडा के अंदर करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, बट ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो गुड़गांव और नोएडा में जॉब्स करते हैं। और ये जो लोकेशंस हैं ये एक तरीके से प्राइम लोकेशंस है जॉब की। ये जो सामने बनाया गया है ये डीएलएफ ने नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया है, और इस पूरी बिल्डिंग का नाम है डीएलएफ साइबर पार्क, जो कि पिछले साल ही ओपन हुई है। यहाँ पर भी आप देखें नाम तो सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आपको मिलेंगी उद्योग विहार में। यहाँ से आगे आने पर आपको जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। पीछे यहाँ पे एम्बियंस मॉल है, लीला होटल भी है। और सामने जो आपको दिख रहा है ये है गेटवे टावर, सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है गुड़गांव की। यहाँ पर डीएलएफ का भी ऑफिस है जिसने सारे जगह को डेवलप किया था। पेड़ पौधे भी बहुत,
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ये जो वीडियोस हैं आपको इमीडिएटली मिलती रहे नोटिफिकेशन के जरिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने जितना भी एरिया देखा होगा सारा ऑफिशियल एरिया है, और अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे, डीएलएफ फेज 3 का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हम नीचे जाएंगे और अब पास से देखेंगे इन बिल्डिंग्स को और यहाँ का अंदर का नजारा कि कैसा लगता है। साइबर हब के अंदर भी जाएंगे हम। सो अब हम आ चुके हैं साइबर सिटी के अंदर और ये है यहाँ का अंदर का नजारा जो कि हम आगे देखेंगे। ये यहाँ के ओवरब्रिज है, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए गए हैं, ग्रीनरी बहुत रखी गई है यहाँ पर। अगर आपको रोड पार करनी है तो इनके थ्रू आप पार कर सकते हैं। क्या बात है। और यहाँ से यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आता है। सामने ये जो दो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आइडेंटिकल सी आपको डीएलएफ जिस पे एक पे पीवीआर लिखा हुआ है, ये बिल्डिंग नंबर 9A और 9B है। यहाँ पर पीछे उसके अगर आप देखें तो बिल्डिंग नंबर 14C है जो ब्राउन कलर की है। ऐसे यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स के नाम है 1 to 14 आई बिलीव। सामने की बिल्डिंग का नाम साइबर ग्रीन है और इसके साथ में बिल्डिंग नंबर 7 भी है। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यह है इन्फिनिटी टावर, टावर नंबर A। हम यहाँ से आगे जाएंगे साइबर हब की तरफ। सामने यहाँ का गेट जिससे आप अपने व्हीकल से यहाँ आ सकते हैं, ये है गेटवे टावर जो मैंने आपको मेट्रो से भी दिखाया था। एंड अंदर से अगर आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है, बिल्कुल आपको अंदर आके फील नहीं होगा कि आप कहाँ पर हैं। काफ़ी ओपन है, काफ़ी वाइड है और जो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन है वो भी ब्यूटीफुल है। स्क्रीन्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन्स भी हैं यहाँ पर। अब हम आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत जगह साइबर सिटी के अंदर ही, साइबर हब। और शाम के वक्त यहाँ का जो ये नज़ारा है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये जगमगाती सी ग्लास की बिल्डिंग्स और सारी कंपनीज के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्डिंग्स के नाम भी हैं। बिल्डिंग नंबर 8 है ये। हर तरफ कंपनीज ही कंपनीज है और बीच में ये जो साइबर हब है ये एक फूड और रेस्टोरेंट का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जहाँ पर आप को सारे फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर पब्स और बार्स भी मिल जाएंगे। हम साइबर हब के ऊपर भी एक नई वीडियो बनाएंगे डेडिकेटली। आप लोगों की भी काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस एरिया पे भी एक वीडियो बनाए रात के वक्त, तो कोशिश करूंगा मैं वो वीडियो भी आपके सामने लाऊं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हमारी वेबसाइट भी है www.nwjindia.com, आप वहां भी जा सकते हैं और दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड न्यूज पा सकते हैं। जब से देख रहा हूँ इंडिया की मतलब खूबसूरत या कोई स्मार्ट सिटी या कोई जगह प्यारी, ये बिल्डिंग वाली तो मैं कहता हूँ आज तक की जितनी भी वीडियोस थी ना, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत। क्या माहौल था भाई, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इतना प्यारा भाई सीन था और इतनी इतनी प्यारी बिल्डिंग्स और इतना प्यारा एरिया खूबसूरत। ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो है भाई, आज ही आई है तो आज के नजारे हैं। मतलब अब इतना डेवलपमेंट हो चुकी है इतनी, और मजीद भाई इस पर काम जारी है, मतलब है। जो जो चीजें रहती है, मैं कहता हूँ यार क्या सिंगापुर की बहुत बिल्डिंग है जो है ना वो वीडियोज में देखी हुई है, लेकिन यार ये कमाल हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत जगह है जो इन्होंने मेट्रो में से भी दिखाया, बाहर से सब बिल्डिंग्स और मेट्रो से उतरकर अंदर जाकर भी बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखाई, और जो वहाँ पे नीचे रोड्स और जिस तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई वेस्टर्न कंट्रीज जैसा ही लग रहा था और बहुत ही क्लीन था। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।